दफन अपनों की लाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। मणिकरण में बादल फटने के बाद बाढ़ के कारण करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। वहीं इस मलबे के अंदर लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे के विशाल ढेर के नीचे कांगड़ा के राहुल के होने की भी उम्मीद है, मगर वहां किसी भी तरह का राहत कार्यों दिखाई नहीं देता है। दो दिन से लापता राहुल चौधरी की तलाश में चौज पहुंचे कांगड़ा से उनके भाई दिन भर मलबे को देखते रहे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी क्योंकि बादल फटने के कारण घटना स्थल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। कई किलोमीटर सड़क यहां बह गई है और आवागमन का कोई साधन नजर नहीं आ रहा है। मौसम विभाग ने 11 जुलाई तक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य भी उसी तरह से किए जा रहे हैं। मलबे में अपनों की तलाश जी, क्यों तलाश है इसका मतलब आप समझ जाइए, आगे हम चर्चा भी कर लेते हैं। मणिकर्ण घाटी में जो तबाही हुई है ओंकार जी कल, आप जरा हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि वहाँ हालात कैसे हैं, कुछ नया सामने आया है कल के घटनाक्रम को लेके, क्या क्या दिखता है आपको? अनिल जी, कल का जो वहाँ बादल फटने की घटना हुई है उसके बाद दो गांव जो हैं चोज और गौहर जो गांव हैं वो बहुत बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और इन गांवों में इतना मलबा आ चुका है कि अगर हम लगातार जो है 24 घंटे काम करें तब भी कम से कम हफ्ता 10 दिन जो है वहाँ उस मलबा को हटाने के लिए लग जाएंगे। अच्छा, पर आज जब मौका पर देखा गया है तो उस तरह की चुस्ती दुरुस्ती जो है प्रशासन ओर से दिखाई नहीं दी गई क्योंकि मलबा ही इतना है और इस मलबे को हटाने के लिए दिन रात काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ा नुकसान वहां जो हुआ है वो बिजली व्यवस्था को लेकर हुआ है। दोनों अच्छा, के दोनों गांव हैं बुरी तरह से, उनके जो ट्रांसफार्मर हैं वो मलबे में बिल्कुल दब गए हैं, कुछ भी वहां है नहीं। पूरी पिछली रात भी अंधेरे में काटी गई है। जो लाइनें थी, बिजली की लाइनें थी, तारें थी, वो बिल्कुल दब चुकी हैं और कम से कम जो है वो 50 लाख से ऊपर का नुकसान जो है वो अभी तक मतलब सरसरी तौर पे हुआ है। अच्छा, इससे भी बढ़ सकता है। अरे रे रे। तो इस बिजली व्यवस्था को जो है बहाल करने के लिए बहुत समय लग सकता है। जी जी, देखिए ओंकार जी, आपने जो बताया उससे जो समझ आ रहा है, हम दर्शकों को जरा ये समझा दें कि कल देखिए मारा मारी पड़ी हुई थी। ये था कि हुआ क्या। अब रात गुजरी, मौसम थोड़ा साफ हुआ, बहुत से लोग वहां मौके पर पहुंचे, पहले तो थोड़ा पहुंचना भी मुश्किल था। तो वहाँ पे दो गांवों में अगर आप देखिए कि वहाँ पे ट्रांसफार्मर ही दब गए हैं तो मलबा कितना आया होगा, और मलबे में घर तो दबे होंगे, खेत खलिहान, और जैसे आपने कहा ओंकार जी कि बहुत सा समय चाहिए, और उसके साथ ही हमें ये भी लगता है या जो हमारे पास इनपुट है ओंकार जी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी चाहिए, खाली हाथों से काम नहीं। और आप ये देखिए कि ये जो गाँव है रिमोट है जी जी। तो थोड़ा सा अब इसमें अच्छा ओंकार जी, अगर इसमें मैं एक और चीज़ कहूँ तो बचाव कार्य जो है उसे लेकर कुछ सवाल हैं, खासकर उन लोगों के जिनके अपने गायब हो चुके हैं, है ना जी। खासकर ये कि जहाँ पे मुख्य दुर्घटना स्थल है ना जी, जो एक होटल का या आप कैंपिंग साइट की बात कर रहे हैं, उसके आसपास बहुत सा मलबा जमा हुआ है, लोग वहाँ से गायब हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो मलबा वहाँ है, बाकी जगह तो ढूंढा गया उन लोगों को कि उनका क्या हुआ, मलबे की अभी तलाश नहीं हो पाई है, मलबे को उलट पलट के नहीं अभी देखा जा सका है, क्या क्या अपडेट है? बिल्कुल अनिल जी, हमारे पास जो सूचना है, हमारे पास जो रिपोर्ट, हमारे जो हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, बाकी जो हमारे और भी जो सूत्र हैं, तो उनके अनुसार एक बड़ा वहाँ एक मायूसी सी नजर आ रही है कि घटना स्थल जो है उस पे बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह इस चीज पे लग रहा है कि हम 24 घंटे के बाद भी ये नहीं जान पाए हैं कि इस मलबे में कितने लोग जीवित हैं, ईश्वर करे वो जीवित हों, कहाँ बह गए हैं, मलबे से बह गए हैं या वो नदी में चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं। तो उनको उनमें से अभी तक भी लापता लोगों में से अभी तक भी किसी एक भी व्यक्ति का पता नहीं चल पाया है। कितने घर वहां तबाह हुए हैं, कितने कैंपिंग साइट में और कितना कितना कहाँ नुकसान हुआ है, जानी माल को कितना नुकसान हुआ है। तो अभी तक 24 घंटे के बाद अनिल जी हमारे पास कोई इतना कोई पुख्ता डाटा जो है हमारे पास अभी तक आया नहीं है, और ये बहुत ही गंभीर प्रश्न प्रशासन की व्यवस्था पे भी इसलिए हम
उठा सकते लोग, हाँ बिल्कुल लोग उठा रहे हैं, क्योंकि शरेआम इस तरह से देखा जा सकता है कि वहां अभी भी जितनी गंभीरता के साथ प्रयास होने चाहिए थे उस घटनास्थल पे उस तरह के प्रयास जो है वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, और लोग जिनके अपने वहां गुमशुदा हुए हैं, हो सकता है वहां गुम हुए हैं, अगर किसी व्यक्ति का परिजन जो है वो वहां गया हो तो उसको लगता है अगर वो दो चार दिन कहीं और आगे पीछे भी होगा तो उसको ये शक रहता है कि कहीं वहीं तो नहीं, वो मलबे के नीचे तो नहीं है। तो ये शंका और ये आशंका जो है इसके भीतर जो है वो परिजन बहुत दिन रात जो है उनको एक चिंता लगी हुई है कि हमारे अपने गए तो गए कहां हो, वो जिस भी स्थिति में उन्हें ढूंढा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए प्रशासनिक तौर पर चार लोग गायब हुए हैं, लेकिन ये कह अभी तक जो हमारे पास इनपुट है उनमें से अभी एक भी व्यक्ति का पता नहीं चला है, किस भी हाल में है वो, जिस भी हाल में हो उसका पता अभी नहीं चल पाया है, तभी ये कहा जा रहा है या ये अपील भी की जा रही है। हमारे पास इनपुट है कि किसी एक पीड़ित जो गायब हुआ व्यक्ति, उनके परिजनों का ये कहना है कि जो साइट थी उसके आसपास बहुत मलबा है, हमें शक है कि कहीं वो हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारे घर का सदस्य कहीं वहाँ तो नहीं उस मलबे के नीचे, तो उस पर भी थोड़ा वो अब ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन कहाँ व्यस्त है। ये लोगों का कहना है कि वहाँ अगर प्रशासन के पूरा ध्यान यहाँ पे मणिकरण में है तो उस एरिया में खोज क्यों नहीं हो पा रही है, ये बड़ा सवाल है। बिजली की बात तो ओंकार जी आपने बता ही दी है, जो लोग इतने कष्ट से गुजर रहे हैं उनकी रात कैसे कट रही होगी, है ना, अंधेरे में, तो इस विषय में भी सोचा जाए, और अगर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो ये युद्ध स्तर पर फिर फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ऐसे लोगों का मानना है। अच्छा ओंकार जी, अभी जो इनपुट है उसके हिसाब से अभी बारिश का दौर शुरू जारी रहेगा, शुरू तो है ये, आज खैर बहुत से क्षेत्रों में दिन में तेज धूप खिली, अभी बादल घिर रहे हैं दोबारा से। तीन जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है मौसम विभाग ने, तीन जिलों में, और यहाँ पे क्या चेतावनी दी गई है ओंकार जी, एक तो अचानक से बाढ़ आ सकती है या फिर लैंडस्लाइड हो सकती है, जमीन खिसक सकती है, ये आप क्या जानकारी क्या है पहले जरा ये बताइए आप। जी, हिमाचल में बारिश और भूस्खलन का दौर जो है वो अभी भी जारी है, और ये सिलसिला जो है वो 11 जुलाई तक हिमाचल में बुरी तरह से और पूरी तरह से जो है रेड अलर्ट है, और भारी से भारी बारिश जो है ऑरेंज अलर्ट जो है वो विभाग ने इसके लिए जारी किया है, तो इस दौरान बहुत भयंकर बारिश जो है वो हो सकती है। ऐसा कहा गया है, भगवान करे ऐसा ना हो, ऐसी हम आशंका जाहिर कर रहे हैं। और हम अपने दर्शकों से ये अपील भी करते हैं कि अगर इस तरह का बारिश का सिलसिला रहता है तो अपने घरों में सुरक्षित रहें, कहीं भी यात्रा करने की, बेवजह यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और हालांकि हालिया बारिश के बाद अनिल जी जो आज तो बारिश कम हुई है, पर इस बारिश पिछले कल की जो बारिश हुई है इसके बाद भूस्खलन का जो है वो सिलसिला और बढ़ गया है, कई जगह जो है वो भूस्खलन हुआ है, और इससे कई सड़कें जो है वो अभी बंद है, उनको बहाल करने में कुछ और जी मैं ओंकार जी इस पे आता हूँ, सड़कों पर मैं आऊंगा आपके पास। देखिए ये जो अलर्ट है वैसे तो पूरे हिमाचल के लिए, लाहौल स्पीति को छोड़ के पूरे हिमाचल में बारिश की संभावना है, हम संभावना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं कि नुकसान नहीं होगा, नहीं तो हम आशंका शब्द का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। संभावना है 11 के 11 जिला में, 12 में से 11 जिला में, लाहौल स्पीति को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो रेड अलर्ट है अगले तीन दिन के लिए, वो अभी फिलहाल के लिए वो तीन जिलों में है खासकर, बाकी में भी हो सकता है लेकिन तीन के लिए विशेष तौर पर कहा गया। जिले में आपको बता देता हूँ, जरा सुनिएगा आप, एक तो शिमला है, जिला शिमला, वहाँ पर आजकल ओंकार सेफ सीजन भी चला हुआ है, दूसरा है जिला सिरमौर, और तीसरा है चंबा जिला। इन तीन जिलों के लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट है किस चीज का? एक बारिश का और दूसरा भूस्खलन का। तो ये थोड़ा सा इन क्षेत्रों के लोग, इन जिलों के लोग थोड़ी सावधानी ज्यादा बरते हैं। हमें पता है कि आपको ये सब मालूम है इस विषय में, लेकिन हम आपसे और अनुरोध करेंगे अपनी तरफ से, कृपया सुरक्षित रहें। अच्छा ओंकार जी, देखिए गर्मी आज भी बहुत हो गई थी, कल भयंकर बारिश हुई पूरे प्रदेश में, लेकिन आज भी जहाँ जहाँ धूप खिली, उमस बहुत ज़्यादा है, एक तो गर्मी है उमस है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर था पूरे प्रदेश में हर कहीं, उसमें काफ़ी आप ये कहिए कि कमी आई है, क्या जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल अनिल जी, तापमान तो गिर रहा है लेकिन उमस ने जो है, जैसे आपने कहा कि जीना आराम कर रखा है, आप दो कदम भी चलते हैं तो आपके जो पसीने से भीग जाएंगे, और एक बड़ी बेचैनी से महसूस होती है। तो आज सबसे ज्यादा पारा जो है वो, हालांकि पारा जो गिरा है वो सोलन में गिरा है, और यहाँ जो है
6.5 डिग्री जो है वो सेल्सियस, हाँ जी हाँ जी, यहाँ तक आया है। जबकि अगर चंबा और हम ऊना की बात करें तो वहाँ 6.2 डिग्री तक जो है वो काफी काफी मतलब मैक्सिमम में से इतना कम हो गया, तो पारे में गिरावट आ रही है और रात को भी थोड़ा ठंडक का जो है एहसास। हाँ देखिए मिनिमम टेम्परेचर में तो थोड़ा है, लेकिन मैक्सिमम में भी दिन के समय टेम्परेचर फर्क आया है और ये 2 डिग्री सेल्सियस तो हर कहीं है कम से कम, और ये अधिकतम जो है ज्यादा से ज्यादा 6.5 डिग्री जितना होता था ये पहले था बारिश से पहले, इतना कम हो गया है हम ये कहेंगे कार्ची। हाँ लेकिन उमस बहुत ज्यादा है, उमस इतनी ज्यादा है कि टेम्परेचर जो जितना है उससे 10% या आप ये कहिए 10 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा फील हो रहा है, खासकर तब जब धूप खिल रही है और आपको धूप में चलना पड़ रहा है, या फिर आप ऐसे घर में ऐसे कमरे में रहते हैं जो छत पे है, है ना, जिसके ऊपर फिर छती है, तो उसमें उमस बहुत ज़्यादा हो रही है ओंकार जी। अच्छा अब ओंकार जी मेरा अंतिम प्रश्न है सेगमेंट में आपसे, कई स्थानों पर सड़कों और गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, बहुत से स्थान ऐसे, इनपुट क्या है आपके पास? अनिली बरसात के नुकसान का सिलसिला जैसे हमने पहले बताया वो जारी है। आज हम सिरमौर की अगर बात करें तो वहाँ एक मकान गिर गया है और बहुत सारे वहाँ डंगे गिरे हुए हैं, तो डंगे गिरने से सिरमौर जिला की कम से कम 10 सड़कें जो हैं बिल्कुल अवरुद्ध हैं। हालांकि जब हम बात कर रहे हैं तो शायद उनको प्रशासन की तरफ से लगा होता चली हुई थी के साथ। इसी तरह शिमला में भी कई जगह डंगे ऊपर ठियोग में है ना जी, चौपाल, इन क्षेत्रों में शायद ज्यादा नुकसान है, वहाँ पे भी सड़कें भी रुकी हैं और कई जगह गाड़ियों पर भी मलबा गिरा है, पत्थर गिरे हैं, तो गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है, सड़कें अवरुद्ध है। सबसे बड़ी बात वही है कि आजकल एप्पल सीजन चला हुआ है, गाड़ियों में भर के एप्पल भेजा जा रहा है, अर्ली वैरायटी खासकर मंडियों की ओर, तो सड़कें अवरुद्ध होना उस तरह से भी नुकसानदायक है। हम चर्चा करते रहेंगे मौसम पे लगातार, हाँ ये दुआ भी करेंगे कि मौसम ठीक बना रहे, किसी भी हिमाचलवासी को मानसून की वजह से मौसम की वजह से जरा भी तकलीफ ना हो, ऐसी हमारी दुआ है।